और जिस तरह इफ दैट आ रहे हैं तो भाई देख युवा साथी भी हैं, बालक भी हैं, तो नू को नहीं होता ले रहा सुतते रहवा या फिर सारे काम पाऊँ। देश भक्ति भावना अंदर भरी होती है कि मैं भी अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूं। तो हमारे अंदर वो देशभक्ति थी, वो बच्चे को देखते 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 और हमारी टीम जो 60-65 लोगों की है वो टीम बन गई। जहाँ से मतलब जहाँ लड़की की शादी है उसके मकान से लेके और जहाँ पे बारात रुकती है वहाँ तक की हम सफाई, जैसे आज बारात आ गई उससे पहले दिन हम पूरी गली की साफ सफाई करते। जो आपने कमेटी बनाई है इसका जी क्या फायदा है बताओ अपने? कोई जातिवाद मतलब गांव में 15-16 जाते हैं तकरीबन सारी जाते है ऐसा नू नहीं भाई, मतलब जातिवाद सब एक जगह बैठ के एक थाली में रोटी खाते हैं। और भी भाई हैं जो और गांव से जुड़ रहे हैं अपने साथ में देखे हैं तो उन्हें के कुछ संदेश देना चाहोगे? फोन पर चैटिंग तो नहीं करते? ना इसी को नहीं चैट शूट करते। मतलब देखो आज आप युवा हो, बच्चे हो तो ये आपके बुजुर्ग हैं, इन तक आपने के शिक्षा मिला है? राम राम भाई, सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दोनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों दुल्हेड़ी गांव में आया हूँ, आप वीडियो बनाने लग रहे हैं, इसके पीछे कुछ खास बात है। खास बात यह है कि दुल्हेड़ी गांव के युवा साथी हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनने एक संस्था बना रखी है और संस्था भाई नू का है 2.5 साल तक चल रही है, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, भीतर भाई बैठे हैं उन तक बात करवावांगे और बुझ जाएंगे कुछ जो इनकी संस्था उसके बारे में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, आ जाओ। देखो भाई यह कमेटी है, एक बार ही इस साइड में आ जाओ भाई, शामी आ जा, शामी आ जा, एक बार राम राम आने दो जी सारे, जोर तान दो, राम 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 राम। वाह जी वाह, देखो बहुत बढ़िया बात है भाई, कमेटी बनाना और गांव खातर सफाई करना। तो पहली आप बात करांगे, बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, राम राम जी। राम राम जी, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक जी। नाम बताओ जी? मेरा नाम जगदीश चंद्र है सर जी। हाँ जी, और जो यह संस्था बनाई है के सोच के बनाई जी? ये गांव का मतलब स्वच्छता अभियान का मतलब यही है कि इसे हम स्वच्छ रखें गांव को, उससे पर्यावरण में भी सुधार आएगा, जीवन भी ठीक रहेगा। हाँ जी, ये बनाई जी। तो बात करवावांगे, राम राम जी। राम राम भाई सर। नरसिंह देवड़ा। नाम जी? नरसिंह देवड़ा जी। हाँ जी। कितने सदस्य हैं जी टीम में? 65 और 70 के लगभग कैंडिडेट हैं जिसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसमें स्टूडेंट भी हैं और जिनका खुद का बिजनेस भी है और एक्स आर्मी रिटायरमेंट भी हैं जी। मैं भी बिजली बोर्ड में ऐसे ही पोस्ट पर सर्विस करूँ जी। अच्छा जी। और भी बहुत से बंदे हैं जी। अच्छा, आप कमेटी जिस तरह बनाई है तो शुरुआत किस तरह हुई इसकी कमेटी की? शुरुआत इस तरह है जी, हमारे एक प्रधान जी हैं पवन सैनी सर, में वो लेके आए थे जिसको। अच्छा। उन्होंने 5-10 बंदों को जोड़ा पे लिए, उसके बाद में फिर कई बंदे जुड़े हैं जी, गांव को साफ सुथरा रखने के लिए जी। हाँ जी जी। हाँ जी। और इसके जो कमेटी बनाई इसके मेन संचालक कौन है? मेन संचालक हैं जी पवन सैनी, जो प्रधान है जी। अच्छा जी। हाँ जी। आपका क्या पद है जी इसमें? मैं वैसे कैंडिडेट हूँ, सदस्य हूँ जी मैं। अच्छा। मेरा कोई पद नहीं है जिसमें। अच्छा। पद से भी ज़्यादा मानते हैं हम दोनों को, मैं भी अंकल जी हैं फौजी साहब, इसके बाद मैं हूँ जी एज में सबसे बड़ा जी। जी जी, जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इन्ना तो पिछाड़ के हो गए भाई, आपने पीछे एक वीडियो डाली है साधु राम जी, नहीं नथुराम भाई कौन है? अच्छा, जो आपने कमेटी बनाई है इसका जी के फ़ायदा है बताओ अपने दर्शकों? इस कमेटी का हमें ये फायदा है जी, एक तो हमारा आपस में भाईचारा बना रहा है पूरे गांव के अंदर, मेन बात तो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपस में भाईचारा है। दूसरी बात, हमें गंदगी से छुटकारा मिलता है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है हमारे ने तो अगर गंदगी नहीं होगी तो बीमारी भी नहीं आएंगी, उससे बच्चे बूढ़े सब स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर रहेगा तो बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए हमने इस कमेटी का ये फायदा है भाई, साफ़ सफाई रखेंगे जितने बीमारियों से बचेंगे तो उतना अच्छा रहेगा, गंदगी नहीं फैलेगी, कूड़े के ढेर। आप काम के क्या करो हो? हमारा काम है जी इसमें सवेरे उठ के 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक साफ सफाई का। सवेरे 4:30 बजे? सवेरे 4:30 बजे, ज़्यादा हो गर्मी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अच्छा। सुबह तो मतलब सर्दी में कुछ टाइम अलग हो जाए सर्दी में, लेकिन फिलहाल है जो 4:30 बजे है। अच्छा। हाँ, 4:30 बजे हम उठ के गाँव में मतलब 7 बजे तक स्टूडेंट भी हैं, सब सारे बच्चे हैं तो साफ सफाई करते हैं।
उसके बाद अपने अपने जो मतलब जिसको कहाँ जाना है, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, बाहर जाना है, ये सब बाद में होता रहता है। उससे पहले हम एक बार एक घंटा डेढ़ घंटा जितना भी हमको टाइम मिले उतना हम सफाई में देते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई, ठीक हो? तेरे आपका चैनल को भी बधाई हो भाई यहाँ पहुँचने पर। धन्यवाद भाई साहब। अच्छा टाइम क्या रहा है इसका, क्या किस टाइम तक, किस टाइम की सफाई करो? सुबह 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। 7 बजे तक। अच्छा कई बार जिस तरह जड्डे आ रहे हैं तो भाई देख युवा साथी भी हैं, बालक भी हैं, तो नू को नहीं होता ले रहा सुते रहवा या फिर सारे काम पाओ है? ऐसा नहीं होता भाई, ग्रुप बना रखा, ग्रुप में मैसेज कर दिया, बालक अपने साढ़े टाइम पर पहुँच जाते हैं। अच्छा, और ये तो पहले शुरू में सर्दी 3 डिग्री टेम्परेचर था जब भी सफाई करते थे। अच्छा अच्छा, क्या साल था है ये? 2 साल हो गए इस मिट्टी को बनी, तीसरी साल, अब 10वें भी 3 साल हो जाएंगे अगले साल। कई बार भाई देखो यह बात मैं आप पे नहीं करया, क्योंकि आमा ने भी कुछ युवा साथी आते इकट्ठा करने की बात चल रही थी, ग्रुप भी बनाए थे, लेकिन इसमें कुछ खटास भी आ जा है आपसरी में, जिस तरह एक दो भाई ऐसे हो जाए हैं जो भाई बात को नहीं मानना तो ईसा भी है हो जाए भाई ना? ऐसा तो ये बुल्लग ऐसा नहीं हुआ भाई, हमारी समिति में जितने सदस्य जुड़ रहे हैं ना, ये बुल्लग तो ऐसा हुआ कौन, हमारे मार्गदर्शन ये दो है सबसे ज़्यादा, ठीक है? और ना कोई जातिवाद, मतलब गांव में 15-16 जाते हैं तकरीबन, सारी जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तकरीबन सारी जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं भाई जिस जात का नहीं, और ऐसा नू नहीं भाई, मतलब जातिवाद सब एक जगह बैठ के एक थाली में रोटी खाते हैं। चलो सदराम जी, जी आप तो देखो गांव के लिए कर रहे हो, लेकिन कुछ और भी भाई हैं जो और गांव से जुड़ रहे हैं अपने साथ में देखे हैं, तो उन्हें के कुछ संदेश देना चाहोगे? भैया हम तो यही संदेश देना चाहूँ कि हम लोगों को जागरूक करें और अपने अपने गांव में एक कमेटी गठित की जाए, ताकि पूरे गांव में, पूरे भारत में, हरियाणा में साफ सफाई हो। लोग अपने अपने, अगर खुद हम जागरूक होंगे तो अपनी सोच के चलते हैं, तो हम अपने गेट के सामने हम सफाई करेंगे, तो हर आदमी अपने गेट के सामने सफाई करेगा तो अपना, हमारा भारत पूरा स्वस्थ रहेगा जी। हाँ, और जिस तरह अड़ंगा हो जाए वो क्या मंगाल के ले जाओ जी, और किस तरह के करो? ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई हुई जी हमें गांव में, युवा स्वस्थ जनसेवा समिति ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ले रखी है, पूरे गांव में सुबह 7 बजे से लेके जब तक गांव की सफाई नहीं हो जाती तब तक वो ट्रैक्टर चलता है, और उसका मतलब पूरे गांव उस ट्रॉली में कचरा डालता है, और वो हम जाके पहाड़ के पीछे सार्वजनिक जगह है वहाँ पे हम उसको कचरे को डालते हैं। एक हमने पानी का टैंकर ले रखा है, जो भी सार्वजनिक काम हो गाँव में या किसी लड़की की शादी हो वहाँ पर हम टैंकर पानी का खड़े करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी तो भाई यह भी एक बहुत बढ़िया बात है, देखो जो भी भाई काम है या फिर किसी का प्रोग्राम है, लड़की की शादी है, उसमें फ्री में पानी का टैंकर खड़ा करवा दे हैं। अच्छा नू भी सुनने में आया है जी, जिस तरह जड़ा तबरियात चल लगी और जो लड़की का घर उड़ते ही सफाई, जहाँ से मतलब जहाँ लड़की की शादी है उसके मकान से लेके और जहाँ पे बारात रुकती है वहाँ तक की हम सफाई, जैसे आज बारात आ गई उससे पहले दिन हम पूरी गली की साफ सफाई कर देते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब गांव में चाहिए कितने हो, कहीं भी हो जी, गांव में कितनी दूरी पे हो, चाहे वो गांव के इस कोने से उस कोने पे हो या उस कोने से उस कोने पे हो, साफ सफाई हम उस गली में बिल्कुल स्वस्थ। कितने सदस्य बताए जी? हमारे 60 सदस्य हैं जी कमेटी के। हाँ जी, रोज 60 है या फिर ना जी, मतलब ऐसा है आज मैं आ गया कल दूसरा आ गया, ऐसे मतलब 25-30 की हमारी टीम गठित है, वो चलती रहती है। हाँ जी, और देखो मैं देख रहा हूँ युवा साथी जो आईडी कार्ड है वो भी पहन रहे हैं और ड्रेस भी है। हाँ, तो ये सारा सुद्धा आप पे करो जी? बिल्कुल जी, हमारी समिति का है ये, गर्मी की ड्रेस है हमारे, जैसे वो भाई पहने हुआ टी शर्ट है वो गर्मी की, वो सर्दी में हमने ट्रक सूट ले रखे हैं, वो भी गांव के सहयोग से मिले हुए जी हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा हमें गाँव का सहयोग मिलता जी, पूरा और पूरा गाँव हमसे खुश है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे गाँव के बच्चे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपना युवा साथी है इनसे बात करेंगे, ठीक हो भाइयों? हाँ जी। क्या नाम है? बलजीत। विक्रम नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। आशीष इंदौरा। अमित इंदौरा। राहुल सैनी। दीपक सैनी जी। तो भाई साहब सवेरे उठने में दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उठ लियो। अच्छा, को नहीं होती आके ले रहे को नहीं जानता कोई जिस तरह सुते हो तो? ना ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। अपने आप ही मन कर जाता है सुबह उठ के, नींद भी जल्दी आ जाती है और वैसे ही जग आ जाती है और फिर जग के हम चल जाते हैं। अच्छा
सवेरे 4 बजे उठ लियो, रात ने कब जे सो? मैम 10-10:30 बजे सो जावा। अच्छा अच्छा, फिर सुबह 4 बजे। युवा हो नु, फोन पर चैटिंग तो नहीं करते? ना ना, इसी को नहीं, चैट चूट नहीं करते। अच्छा अच्छा, तो सफाई के बारे में क्या कहना? सफाई के बारे में हम अच्छी सफाई है और गाम जी वाह जी जी भाई साहब, समिति के बारे में क्या कुछ कहना है? मतलब देखो, आज आप युवा हो, बच्चे हो, तो ये आपके बुजुर्ग हैं, इन तक आपने क्या शिक्षा मिला है? शिक्षा यही मिलती है कि सफाई गांव में साफ सुथरा रहता है गांव, और भाई सफाई से अच्छा माहौल रहता है, टाइम से उठने की आदत मिलती है हमको। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यह वीडियो किसी के लगे मैं कहूँ, यह वीडियो भाई बहुत बढ़िया है, मैंने बहुत बढ़िया मतलब भैया ने संदेश भी दिया है, अगर हर गांव में इस तरह समिति बन जाए तो एक अच्छी पहल उसका है गांव खातर। तो अगर इन भैया तक कांटेक्ट करना है तो मैं इनका भाई जी नंबर बताओ। 99923-5657 जी। फौजी साहब 99920-17612 जी। भाई साहब 82-228-37-005 जी। नथुराम जी 99924-89-289। तो 3-4 अपन मोबाइल नंबर बता दिए भाई, अगर कोई भाई इन तक कोई भी बात सीखना चाहो है, किस तरह समिति बनानी है, किस तरह के करना है, तो देखो इन एक्सपीरियंस है और इन तक बात कर लियो। और दुल्लेड़ी गांव है। पहले तो भाई स्टार सुंदर न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। जो टीम है हमारी, जो थारी टीम है या पूछी हमारे गांव की दुल्लेड़ी में जो लोग हैं उनते दिखाने खातर की, पूरे हरियाणा दिखाने खातर की, जो स्वच्छता की जो कार्य है वो हमारे लिए क्यों है? आपने पीछे देखा होगा कि जो भिवानी के अंदर लगातार हफ्ते जो चल रहा था हमारे कार्य है, और जो सफाई थी वो मतलब कि रोहतक गेट से बावड़ी गेट तक ने की थी, और लोगों ने भी वादा किया है कि हम जो सफाई है वो निरंतर रूप से रखेंगे जारी। अपने साथ के जो मतलब कि एज के बच्चे होते हैं उनके साथ बैठते हैं तो घर वाले मना करते हैं, लेकिन इस टीम में मतलब कि सर्विस मैन भी है, बिजनेस मैन भी है, और मतलब कि जो बड़े बड़े कार्य करते वो भी है। तो बच्चों को ये भेजते हैं कि लोग कई मन में रहता है कि हमको समिति स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मतलब कि सारे बच्चे हो तो उसको नहीं भेज सकते, जो छोटे बच्चे उनके लिए मैं एक प्रेरणा देना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं ना वही मतलब कि आगे बढ़कर जो मिसाल बनेगी, क्योंकि हमारे बीच में यहीं पर कोई मतलब कि फौजी बैठा है या कुछ छोटे बच्चे हैं वो, कोई बिजनेसमैन बैठा है या कुछ आने वाला कोई मंत्री बैठा हो, तो इससे एक सीख मिलती है कि मैं रहता हूँ, क्योंकि मेरे ऐसा कोई नहीं कि संगत में मतलब कि मैं मेरी एज के साथ रहता हूँ, क्योंकि मेरे से डबल एज है उनके साथ रहता हूँ, और क्योंकि उन साथ रहूँगा तो मेरे उनके जो भी है वो मुझ में आएंगे। हाँ, तो यही है कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने मतलब कि गाँव के जो मतलब मैंने मतलब कि स्टार्ट किया था कि मुझे नहीं पता था गांव के अंदर एक समिति स्टार्ट हुई है, तो मैं सुबह जैसे जा रहा था तो मैंने देखा कि सफाई हुई है गली के अंदर, तो गली के अंदर सफाई देखी तो मुझे लगा कि क्या भाई, मैंने पूछा एक फ्रेंड से तो उसने बताया कि अपने टीम बनी है गांव के अंदर, मैंने कहा कि मुझे उसको जुड़वाओ भाई उसके अंदर, क्योंकि एक लगन होती है जो उससे नहीं बोलते कि एक जो एज होती है आर्मी के जाने की, हर बच्चा मतलब कि 16 की एज में आने के बाद सोचता कि मैं आर्मी के अंदर जाऊँ, मैं रेस मारूँ, तो वो देशभक्ति भावना अंदर भरी होती है कि मैं भी अपने गाँव के लिए अपने देश के लिए कुछ करूँ, तो हमारे अंदर वो देशभक्ति थी, वो बच्चे को देखते 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 वो हमारी टीम जो 60-65 लोगों की है वो टीम बन गई। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।